नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडिटर हरिओम द्विवेदी और आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल दृष्टि प्रोडक्शन पर, जो है एक डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन। दोस्तों, आज के डिजिटल स्टोरी में एक रियल स्टोरी है जो अपने आप में अनोखी है। दोस्तों, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल इंडिया वाले भारत में, जहां अब हर काम हम घर बैठे आसानी से मोबाइल से कर लेते हैं, आज सब कुछ आसान सा होने लगा है। हर कोई सोशल मीडिया से चिपका रहता है। YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Reels, Shorts, IGTV और न जाने क्या क्या। दोस्तों, इतना सब कुछ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं साक्षरता को लेकर। दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल चलाना तो आता है लेकिन अपना हस्ताक्षर करना नहीं आता। आज इसी विषय पर चिंतन करते हुए हमारे भारत के कई समाज सेवी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मिलकर एक अनोखी मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम है आई साइन, मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान। दोस्तों, इस मुहिम में कई लोगों को हस्ताक्षर करना सिखाया गया है। ऐसी मुहिम है जहाँ पे हमारी एक कोशिश है, हर भारतवासी को हस्ताक्षर पता होना चाहिए। इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में इस भारत को एक नई पहचान देते हैं हस्ताक्षर के साथ। तो मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, ये इस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया है। गोवा, कानपुर, दिल्ली, आज हमारा दिल्ली में इवेंट है, आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद और प्यार मिले। ये आईसाइन कैंपेन इरम्स एंटरटेनमेंट, फिजियोस्मेटिक्स एंड अपराइज इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा चलाया गया है। तो हमारी यही कोशिश है कि आईसाइन को आप सब अपना सपोर्ट दें। जी नमस्कार, मैं तनुजा रंगनाथन, बाई प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और आई वर्क फॉर एथलीट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल के लिए। जब मैं भारत को प्रेजेंट करती हूँ तो मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि भारतवासियों का क्या, भारतवासियों से ही भारत बनता है। तो ये जो मुहिम हमने निकाला है वो है आई साइन। आई साइन मतलब मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान। हस्ताक्षर कितना इम्पॉर्टेंट है और ये आके किसी का चॉइस नहीं है, ये आके किसी की हक है। तो हम लोग ने अभी कैंपेन कर रहे हैं जो कानपुर में हुआ है, गोवा में हुआ है और अभी दिल्ली में हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी लोगों को, वहाँ पे हम हमेशा रहे। और थैंक यू अपराइज इंडिया, इरम्स एंटरटेनमेंट एंड फिजियोस्मेटिक विच इज़ ऑल इन कोलैबोरेशन हम लोग ने काम करा है। और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप जैसे लोग, सब लोग एक दूसरे की मदद करें, जब पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान। आकाश शुक्ला मेरा नाम है और अपराइज इंडिया शुरू करने का आइडिया ये था कि मैं पेशे से एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में हूँ, तो एड एजेंसी है हमारी और हमने कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज किए जहाँ पे मुझे रूरल इंडिया को विज़िट करने का मौका मिला। और रूरल इंडिया में मैंने बैंकों के साथ काम किया और गाँव में, छोटे छोटे गाँवों में जो महिलाएं कुछ काम करना चाहती हैं और उनके काम करने में, व्यापार, छोटे लघु उद्योग करना चाहती हैं, उनमें तकलीफ़ें क्या आती हैं, तो उनमें से वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वॉज दिस। ये एक उनमें से एक प्रॉब्लम मुझे ये भी लगी। तो मैंने सोचा कि अगर बैंक में कोई अपना थंब प्रिंट करता है और सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ थंब प्रिंट पे ही रजिस्टर्ड हैं तो दिस इज़ अ बैड आइडिया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे स्कैम्स हो सकते हैं उनके साथ। अगर वो किसी के साथ जाते हैं और कोई उनको बोलता है कि आप थंब लगाइए और उनका पैसा कोई दूसरा भी निकाल सकता है और प्रॉपर्टी वाले स्कैम भी हो सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं बहुत बेसिक जो चीज़ है जिसको लिखना और पढ़ना बोलते हैं वो ज़रूर आनी चाहिए। हम बड़ी शिक्षा की तो बातें करते हैं कि हमने किसी एक गांव को अडॉप्ट कर लिया, हमने ज़ीरो से लेकर पूरी शिक्षा सबकी करा देंगे, वो सब कुछ सारी बातें अच्छी हैं, होना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक्स पे काम करें, रूट पे काम करें कि लिखने और पढ़ने की बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं लिखने, जैसे कि हमें कई लोगों ने भी यहाँ स्टेज पर भी बताया कि उनके प्रॉपर्टीज़ चली गई सिर्फ और सिर्फ उनको लिखना पढ़ना नहीं, और आज भी लोग लिखने और ना पढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्याएं जूझ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा हिस्सा जो है मैं वो कर देता हूँ, छोटी सी चीज़, छोटी मुहिम शुरू करके। तो इस प्रकार से मैं कई गांव में गया हूँ, कानपुर के आसपास कई गांव में गया हूँ, गोवा के कई इंटीरियर्स में गया हूँ, जहाँ पे मैंने उन लोगों को कलेक्ट किया जो आज तक इस विचारधारा में थे ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि साइन का, वो सिर्फ नाम अपना बोलते थे मुझसे कि मेरा नाम ये है, लेकिन वो कभी भी उन्होंने अपना नाम लिखा ही नहीं जीवन में। तो उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस
जो बिल्ड हुआ है वो बड़ी बात है। और आज वो जो नाम लिख के वो किसी और को बताएंगे कि आज अब हम अंगूठा नहीं लगाते हैं, आज हम साइन करते हैं, तो वो इंस्पिरेशन इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और चाहता हूँ कि भविष्य आए, पता नहीं आज हम कर रहे हैं, हो सकता है इसका रिजल्ट कई सालों बाद आए और भारत हमारा 100% साक्षर देश बन के उभर जाए। देखिए बहुत बड़ी मुहिम उठाई है इनम एंटरटेनमेंट ने और उनके सहयोगी रहे अपराइज इंडिया के आकाश शुक्ला जी और उनके सहयोगी तनुजा जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक इशू को सामने रखा है और जनता के सामने रखा है, जो जा जा करके गांव में, जिले में, स्टेट्स में, और अपनी ये बात रख रहे हैं कि हस्ताक्षर कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में। अगर आप हस्ताक्षर करना नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे, लोग आपको गलत इस्तेमाल भी करेंगे। हस्ताक्षर आना इसलिए ज़रूरी है, देखिए बहुत इस अभी लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं हैं, जो निरक्षर हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। सिग्नेचर देखिए एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे कि आप उसको कभी चैलेंज कर सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि अंगूठा लगाने की बात करते हैं, जब अंगूठे की बात आती है तो जबरदस्ती कर लिया जाता है तो वो फाइनल हो जाता है। सिग्नेचर कम से कम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे को आप किसी कोर्ट में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप मना कर सकते हैं अगर किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती किया है। और उसके तरीके कई हैं, उसके मेथड कई हैं, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं, फॉरेंसिक लैब भी है जिसमें ले जा करके आप उसको उसकी चुनौती कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। ये सारी चीज़ें उसमें आपको उस हस्ताक्षर से मिलेंगी। अदरवाइज देखिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, बनाई हुई चीज़, प्रॉपर्टी की, आपके पूर्वजों की बनाई हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग जो आपको गलत इस्तेमाल ना करें, हड़प ना लें, इन सब से बचने के लिए आपको हस्ताक्षर करना सीखना है। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है जो कि जगह जगह जा करके लोगों को सिखाना हस्ताक्षर कैसे किया जाता है और उसको उसके विकास के लिए उसको ये बताने के लिए कि आपके हस्ताक्षर से आपकी पहचान है। आइसन कैंप पर एक सिग्नेचर अभियान है जिसे रीड एंड राइट इनिशिएटिव कहते हैं। आप जानते हो बीना पॉलिटिशियन एक सिग्नेचर, पॉलिटिशियन की सिग्नेचर एक देश बदल सकती है, ठीक है। जैसे बीना एक सोशल एक्टिविस्ट, जब हम कंप्लेन साइन करते हैं तो उस पर एक्शन लेना पड़ता है। तो जैसे मेरे हिसाब से मेरी सिग्नेचर एज अ बिजनेसमैन चेक साइन करना पड़ती है, जैसे लोगों को प्रॉफिट होता है ना, तो मेरा सिग्नेचर ही मेरी पहचान है। पर ऐसे कितने लोग हैं हमारे देश में जिनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता, ये हमारा पर्सनल रिसर्च है। हम आज हमारे जो प्रेसिडेंट है अपराइज इंडिया के आकाश शुक्ला जी, इन्होंने छः महीने से रिसर्च कर रहे इस चीज़ पे, तब जाके हम आई साइन का स्टार्टेड इनिशिएटिव लिए हुए। आई साइन के बाद हमारे और भी रहेंगे, मेडिकल कैंप्स रहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट रहेगा, मतलब वुमेन का एजुकेशन रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में अभी आने वाले हैं, हमारे शुरुआत है। हमारी ट्रेन निकली थी गोवा से, कानपुर में दो किए, दिल्ली, इंदौर, अभी और कारवा हमारा बढ़ने वाला है। हाँ, बहुत सारे प्रदेश में से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो जिले हैं वहाँ के लोग हैं कि जिनको अभी साइन करना नहीं आता है। हाँ। और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, खासकर जब वो बैंक में जाते हैं तो किसी का वेट करते हैं कि कोई पढ़ा लिखा आए और उनके लिए साइन। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हमारी जो इरम एंटरटेनमेंट्स की प्रोड्यूसर है, जो इस की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये इन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था कि जब ये सोशल वर्क करती थी बैंक में जाके, कुछ लोगों को मतलब जैसे जिन लोगों को फॉर्म भरने नहीं आता है, बैंक से अकाउंट खोलने नहीं आते हैं, तो इन्होंने ये काम किया हुआ, तो इससे ये पहले से जुड़ी भी हुई थी। तो इनको लगा कि अगर मैं इससे जुड़ती हूँ या मेरा एम्बेसडर बनने से इनको मतलब ये कुछ सिखा रही है सोसाइटी को, तो इनको बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ से। और हमारे साथ में हमें डॉक्टर तनुजा रंगनाथन, जो कि एक स्पोर्ट्स डॉक्टर भी है, तो ये भी जुड़ गई है चीज़ों से। हमारा बेसिक एम यही है कि हमारे इस देश को 100% सक्षर और साक्षर करते, लिटरेट एंड एडुकेट करते, क्योंकि जब कहते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम जो 30% लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, आज भी शहरों में भी ऐसी कोई बस्ती है जहाँ पर लोगों को नहीं आता है मकान, शहरों में जितने सारे मकान होते हैं, झोपड़पट्टीज होती है, स्लम्स होते हैं, वो अंगूठा लगा के चले जाते हैं। बहुत से इशूज़ है स्टम्प के इस, इसीलिए हमने मुहिम उठाई है कि हम तो चार्ज, हम लोग तो हमारी टीम कर रही है, आप भी हमसे जुड़िए और हमारे देश को 100% लिटरेट और एडुकेट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ में आइए, हमारी टीम को कांटेक्ट करिए और हमारे साथ आप इस मुहिम में अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में ये मुहिम उठाइए और इसको आप साक्षर करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक नए डिजिटल स्टोरी को लेकर के। ये स्टोरी आपको कैसी लगी और ये कैंपेन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना। दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन।